गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने डिमांड पढ़ी थी और उसके दो टाइप्स पढ़े थे। वन वाज द इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकेंड मार्केट डिमांड। जब ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें जब उसके इफेक्ट को देख रहे थे कि डिमांड इंक्रीज भी होती है और डिमांड डिक्रीज भी होती है, तो इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके लिए डिमांड इंक्रीज भी हो जाती है और डिक्रीज भी हो जाती है। एक तो सीधा सा फैक्टर होता है जो उसके डायरेक्ट अटैच होता है, जिसको हम लोगों ने वहाँ पर टेबल बना के देखा भी था, और उसको इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड दोनों में ही हम लोगों ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी और उसको सॉल्व भी किया था। हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला जो उसका होता है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, जो ओन कमोडिटी होती है या गिवन कमोडिटी होती है उसका प्राइस सबसे मेजर फैक्टर होता है टू चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड्स। जो गुड्स का डिमांड है उसके चेंज होने का एक सबसे बड़ा और सबसे मेजर कॉज क्या होता है, उसकी कमोडिटी का होता है। एक एग्जांपल के रूप में अगर इसको हम लोग देखते हैं तो एग्जांपल के रूप में जब ये आप देंगे तो आप एक सिंपल सा ले लेते हैं हम लोग इसको कि कोई भी गुड्स टी ले लेते हैं। टी में हम लोग देखते हैं कि एक तरफ हमने गुड्स टी ले लिया है, अब प्राइस ऑफ टी है और डिमांड ऑफ टी है। तो इसको जब इसका एक सिंपल सा और पिछले ही टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि प्राइस पहले वन था, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, फाइव हुआ, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, डिमांड पहले फाइव थी तो फिर फोर हो गई, फिर थ्री हो गई, फिर टू हो गई, फिर वन। इसका सीधा सा मतलब है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज। इसका दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाता है डिमांड वैसे वैसे घटती जाती है, और जैसे जैसे या उल्टा आप देख लो, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है डिमांड उसके साथ में क्या होती जा रही, इंक्रीज होती चली जा रही। और इसको हम लोगों ने डायग्राम के सेंस में भी उस दिन देखा था उस वीडियो में कि क्या देखा था कि एक एक्स एक्सिस था, दूसरा वाई एक्सिस था। एक्स एक्सिस जो था वो डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा था, वाई एक्सिस प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो डिमांड लाइन कैसी क्रिएट हो रही थी, डीडी लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब कि जब प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज, और प्राइस डिक्रीज और डिमांड इंक्रीज। देखो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा डिमांड उसी तरह से लगातार क्या होती चली जा रही, इंक्रीज होती चली जा रही। तो ये जनरली एक इसको अफेक्ट करता है और ये इसके इनवर्स रिलेशनशिप को भी शो करता है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले उसमें पढ़ा हुआ था डिटरमिनेंट। तो पहला जो इसका फैक्टर होता है डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड का, वो क्या होता है, प्राइस ऑफ दी गिवन कमोडिटी। जो कमोडिटी दी गई थी उसके बेस से प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये तो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे वो मार्केट डिमांड हो। इसका मतलब ये जो प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी है ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों का अफेक्ट करता है, जबकि मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड हेडिंग डाली हुई है, लेकिन इस हेडिंग से आप कन्फ्यूज ना होइए। ये फाइव फैक्टर हैं जो केवल इंडिविजुअल डिमांड, ये जो इंडिविजुअल डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं और मार्केट डिमांड को, लेकिन ये जो थ्री फैक्टर बाद में लिखा है ना डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड, तो ये तीन ऐसे हैं जो केवल मार्केट डिमांड को करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट नहीं करते। तो हम एक एक टॉपिक के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट डिमांड के लिए एट फैक्टर है और इंडिविजुअल डिमांड के लिए कितने फैक्टर हैं, वी हैव ओनली थ्री फैक्टर, फोर फाइव फैक्टर। हमारे पास कितने फैक्टर है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो वी हैव अ फाइव फैक्टर। फाइव फैक्टर किसके, इंडिविजुअल डिमांड के, और फाइव के बाद सिक्स सेवन एट, एट फैक्टर किसके, मार्केट डिमांड के। तो ये जो फैक्टर हुआ ये इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड दोनों को अफेक्ट करता है। दूसरा हम लोग इसके टॉपिक पे जाते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देयर इज टू टाइप ऑफ गुड्स, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकेंड इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो रिलेटेड गुड्स कितने होते हैं, टू होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो बोथ गुड्स आल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। वो दोनों गुड्स किसको अफेक्ट करते हैं, डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो एक हम लोग सबसे पहले चलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सबसे पहले जानते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर वन अनादर, जो एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं,
यूज हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे टी एंड कॉफी, टी क्या करेगी, वो रिप्लेस किसको कर सकती, कॉफी को, और कॉफी किसको रिप्लेस कर सकती, टी को। तो ये दोनों ऐसे हैं कि दोनों एक साथ नहीं कंज्यूम किए जाते, या तो हम कॉफी कंज्यूम करेंगे या फिर हम टी को कंज्यूम करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट कैसे होता है डिमांड में, तो यहाँ पर हम तो टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कि टी मैं कौन किसको कंज्यूम करने पर कर रहा हूँ, टी मेन गुड्स है एंड कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जैसे ही टी के प्राइस बढ़ेंगे, अब मुझे उसके कंपेरिजन में कॉफ़ी क्या लगने लगेगी, सस्ती लगने लगेगी, चीप लगने लगेगी, उसकी कॉस्ट कम लगने लगेगी, तो मैं क्या करूँगा, टी के कंजम्पशन को छोड़कर कॉफ़ी में जा सकता हूँ। और बहुत सारे ऐसे ही कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट में कि जब देखते हैं कि टी के प्राइस इंक्रीज हो गए और कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो टी के प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड किसकी बढ़ गई, कॉफ़ी की, जबकि कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। तो इट इज़ द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इसको सिंपली हम देख लेते हैं कि एक व्हेन प्राइस ऑफ टी इंक्रीज्ड, अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो इफेक्ट कॉफी में इफेक्ट कैसे बढ़ता है, तो मैं ले लेता हूं प्राइस ऑफ कॉफी एंड डिमांड ऑफ कॉफी। कॉफ़ी क्या थी, पहले भी 10 रुपये में थी, फिर भी 10 रुपये में, और फिर भी 10 रुपये में, लेकिन प्राइस किसके इंक्रीज हो गए, टी के। तो टी तो इसके कारण पहले कॉफ़ी 15 यूनिट सेल हो रही थी, अब 20 हो गई, और फिर उसके बाद 25 हो गई। ये क्या शो कर रहा है कि नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी बट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कॉफ़ी। क्यों डिमांड कॉफ़ी की इंक्रीज हो रही, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, टी के प्राइस में इंक्रीज हो गया है, टी पहले से अब ज़्यादा कॉस्ट में मिलने लगी है। इसके कारण टी के जो कंज्यूमर्स थे वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ कंज्यूमर, सभी नहीं, कुछ कंज्यूमर किधर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ। तो कॉफ़ी के बिना प्राइस चेंज हुए भी डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको हम अगर डायग्राम से इसको रिप्लेस करें, मान लें पहले इसको, तो डायग्राम इसका कैसे बनेगा, फिर वही वाई एक्सिस हमेशा प्राइस को डिपेंड करता है और एक्स एक्सिस हमेशा डिमांड को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको मैं इसको प्राइस ले लेता हूँ, ये प्राइस लाइन थी, तो सबसे पहले डिमांड हमारी ये डिमांड लाइन थी, अब डिमांड क्या हो गई, अपवर्ड शिफ्ट हो गई है, क्या हो गई है, अपवर्ड शिफ्ट हो गई, D1 हो गई है, और ये क्वांटिटी क्यू हो गई है, जो कि पहले क्यू थी, अब Q1 हो गई है। तो पहले क्वांटिटी क्या थी, ओपी प्राइस पर OQ डिमांड थी, अब प्राइस OP ही है लेकिन डिमांड OQ1 हो गया है, यानी डिमांड इंक्रीज हो गई है। अब क्यों इंक्रीज हुई, मैंने पहले ही बताया ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी। तो ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में सब्स्टिट्यूट। इसी तरह मार्केट में आप जाइए, कोको कोला आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो तो पता चलता है पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, कोको कोला का प्राइस उतना ही है, तो पेप्सी महंगी लगने लगेगी तो कोको कोला में शिफ्ट हो जाएंगे। ये केवल उन कंज्यूमर्स की हम नहीं बात कर रहे हैं जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जिनको लगता है नहीं हमें यही पीना है, जो टी के लिए ही होते हैं उनको काफ़ी से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हम ओवरऑल देख रहे हैं कि कुछ लोग इसमें शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहते हैं। फिर होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को अगर डिफाइन करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टूगेदर टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर वांट्स लाइक टी एंड सुगर। कहते हैं ये वो दो गुड्स हैं जो दोनों एक साथ ही यूज होते हैं, अलग अलग इनका यूज नहीं होता है। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, जैसे पेट्रोल एंड पेट्रोल कार, पेट्रोल और पेट्रोल कार में वो दोनों एक साथ ही यूज होंगे, अलग अलग उनका यूज नहीं होगा। ऐसे टी एंड शुगर हो ही गया कि टी अगर बननी है तो शुगर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे ही बहुत सारी गुड्स होते हैं जिनको हम लोग एक साथ यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड किसकी घट जाएगी, पेट्रोल कार की।
क्योंकि प्राइस पेट्रोल के बढ़ गए हैं तो लोग पेट्रोल कार को कम खरीदेंगे, जबकि पेट्रोल कार के प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आया। तो यही सिंपली एक देख लेते हैं, प्राइस ऑफ कार एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार। तो प्राइस ऑफ कार में देखेंगे कि मान लीजिए कितना भी था, एक एग्जांपल है तो एक एग्जांपल के रूप में उसको 10 लाख थी इसका प्राइस, आज भी इसका प्राइस कितना है 10 लाख है, जबकि इसकी डिमांड पहले भी 20 यूनिट थी, अभी इसके क्या हो गई है 15 यूनिट हो गई है, क्योंकि प्राइस किसके बढ़ गए हैं पेट्रोल के। जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड किसकी घट जाएगी, पेट्रोल कार की। ऐसे दूसरे एग्जांपल इसको कार ना मानकर इसको हम लोग क्या मानते, इसको हम लोग मान लेते कि शुगर, तो शुगर का प्राइस पहले भी 10 रुपये था, आज भी 10 रुपये में है, और जबकि उसकी डिमांड क्या हो गई, पहले ज़्यादा थी अब क्या हो गई है कम हो गई है। क्यों कम हो गए, क्योंकि टी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जब टी के प्राइस इंक्रीज हुए तो टी क्या हो गई, कॉस्टली हो गई, तो टी बनना भी कम हो जाएगी और जिसके कारण शुगर की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कि टी एंड कॉफ़ी आप कह सकते हो, कोक एंड वो क्या कह सकते हो, पेप्सी कह सकते हो, पेन एंड पेंसिल कह सकते हो, सीडी एंड डीवीडी कह सकते हो, इंक पेन एंड बाल पेन कह सकते हो, राइस एंड वीट कह सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी एग्जांपल हैं, टी एंड शुगर बताए ही, फिर पेन एंड इंक हो सकता है उसका, कार एंड पेट्रोल हो सकता है, फिर ब्रेड एंड बटर हो सकता है, पेन एंड रिफिल हो सकती है, ब्रिक्स एंड सीमेंट हो सकता है जो, तो इस तरह के बहुत सारे हैं। अगर सीमेंट महंगी हो गई तो ब्रिक्स की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि लोग घर बनाने को डिनाई करेंगे, वेट करेंगे कि कब सस्ता हो, तो ब्रिक्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड उसकी घट गई। तो ये उसका दूसरा है। ऐसे ही फिर थर्ड होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की जो इनकम होती वो भी इसी तरह से इफ़ेक्ट करती है कि इनकम, जो कंज्यूमर की इनकम होती है, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जबकि प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इनकम मतलब एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, और जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, डिमांड भी ज़्यादा करेगा। ऐसे इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि गुड्स के प्राइसेज वैसे ही थे जैसे पहले थे, उसी तरह आज भी हैं, लेकिन प्राइस में, लेकिन यहाँ पर भी दो गुड्स होते हैं, दीज आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, वन इज नॉर्मल गुड्स एंड सेकेंड इज द इन्फीरियर गुड्स। तो जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, और इनकम घटती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड घटती है, जबकि इन्फीरियर गुड्स के साथ इसका उल्टा रिलेशन है। इन्फीरियर गुड्स से मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जिनको कंज्यूमर की इनकम लेवल से कम लेवल की क्वालिटी के होते हैं उनको इन्फीरियर गुड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, इनकम इंक्रीज होती है, उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। जैसे एक पर्सन की इनकम इंक्रीज हुई, अब वो मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकता है, तो साइकिल उसके लिए क्या हो जाती है, इन्फीरियर गुड्स की कैटेगरी में आ जाती है। जब वो उससे भी इनकम में कार की कैटेगरी में पहुंच जाता है तो मोटरसाइकिल उसके लिए क्या हो जाती है, इन्फीरियर गुड्स हो जाती है। तो ये एक इसका वो रहता है। तो इन्फीरियर गुड्स में उल्टा है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, इनकम घटती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, जबकि नॉर्मल गुड्स के साथ क्या होता है, व्हेन इनकम इंक्रीजेज डिमांड आल्सो इंक्रीजेज, व्हेन इनकम डिक्रीजेज डिमांड आल्सो डिक्रीज। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में ना तो प्राइस इन्फीरियर गुड्स के चेंज हुए और ना ही नॉर्मल गुड्स के चेंज हुए हैं, और अदर जो फैक्टर है, अदर फैक्टर क्या, चेंज इन इनकम, इनकम के कारण ही उनकी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो इस तरह उसको भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाती है। ऐसे ही होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज की आप बात करोगे तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज के कारण भी डिमांड में कई बार चेंजेज आते हैं। तो जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज कंज्यूमर का होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिमांड को। कई बार क्या होता है, सोसाइटी का, पीपल्स का, या फिर ऐसे लोगों का क्या होता है, अचानक फैशन को लेकर, या फिर यानी ट्रेंड को लेकर, या फिर फूड की, फूड हैबिट में चेंज आने के कारण, बहुत सारे चेंजेस के कारण क्या हो जाता है, उनका टेस्ट बदल जाता है। पहले वो कुछ और चीज़ पसंद करते थे, अब कुछ और करने लगते हैं, इसलिए उनकी डिमांड क्या हो जाती है,
खत्म हो जाती है, घट जाती है। तो ये उसका एक इसके कारण भी डिमांड क्या हो जाती है कि जैसे फैशन अगर पॉजिटिवली चेंज हुआ तो डिमांड बढ़ेगी, नेगेटिवली चेंज हुआ तो डिमांड घट जाएगी। ऐसे एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ फ्यूचर, अगर किसी गुड्स के हमें लगता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, आज प्राइस नहीं चेंज हुए लेकिन हम डिमांड क्या कर देंगे, घटा देंगे। हम वेट फ्यूचर में प्राइस इसके घटने वाले हैं तो हम क्या कर देंगे, डिमांड घटा देंगे। अगर लगने लगता है कि फ्यूचर में प्राइस इसके बढ़ने वाले हैं तो डिमांड हम बढ़ा देंगे, जबकि आज की डेट में कोई चेंजेस नहीं आए। अगर हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइस अभी और हाई होंगे तो हम आज ही गोल्ड की परचेजिंग करने लगते हैं बिना ज़रूरत के। अगर हमें लगने लगे नहीं गोल्ड के प्राइस आगे जाकर डिक्रीज होने वाले हैं तो आज हम बिना चेंज प्राइस चेंज के भी हम डिमांड उसकी कम कर देते हैं। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे भी डिमांड में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये वो फैक्टर थे जो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों को अफेक्ट करते थे। कुछ डिटरमिनेंट होते हैं जो केवल मार्केट को अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल को नहीं। जैसे साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज कैसा है, कंपोजिशन कैसा है। अगर साइज है तो साइज का मतलब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पॉपुलेशन डिक्रीज तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर फीमेल का कंपोजिशन ज़्यादा है तो फीमेल से रिलेटेड लिपस्टिक और ये सारी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर मेल का कंपोजिशन ज़्यादा है तो मेल से रिलेटेड जो गुड्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो साइज के बिना इनकम उस प्राइस के चेंज हुए भी साइज की आप पॉपुलेशन पर भी ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। सीजन एंड वेदर पर भी रहता है कि विंटर सीजन होगा तो विंटर रिलेटेड गुड्स ज़्यादा बिकेंगे, विंटर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। रेनी सीजन में रेनफॉल जितनी ज़्यादा होगी डिमांड अप अम्ब्रेला उतना ज़्यादा होगा, जितनी कम होगी उतनी डिमांड कम होगी। तो इस पर भी डिपेंड करता है। ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है कि डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी। अगर इनकम जो इनकम है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिच एंड पुअर में तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इनकम ज़्यादातर इनकम कंट्री की जो अर्निंग इनकम है वो ज़्यादातर जीडीपी का ज़्यादा पार्ट किसमें चला जाता है, रिच में, तो डिमांड में उतना इम्पैक्ट नहीं बढ़ेगा। लेकिन वही इनकम अगर पुअर में चली जाती है तो डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, उससे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये फैक्टर है जिनके कारण डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, इनको डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कहते हैं। ओके, थैंक यू।